हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी की अपने ही YouTube चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि अभी फिलहाल में जो नया नियम आया है उसके अनुसार जो जनरल वर्ग के लोग होंगे उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं अपना जनरल प्रमाण पत्र, चाहे वो आपको हिंदू ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कायथ हो, सिख हो, जो मुस्लिम होते हैं, पठान हो, सभी वर्ग के लोग जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और वेबसाइट पे आने के बाद आप इस पे दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड लिए हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं लिए हैं तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना है फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिलेगा सामान यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार सेवाएं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आइएगा इस सेक्शन में, उसके बाद आपको मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग के आवासीय जाति एवं आय प्रमाण पत्र की सेवाएं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको मिलेगा जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप किस स्तर से बनवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको अंचलाधिकारी या अनुमंडल से बनवाना, ब्लॉक से बनवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके सामने इस तरह का कोई नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जब इस तरह का पेज ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिखाई देगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व अधिकारी स्तर से आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपना खुद का कर रहे हैं तो आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है जेंडर कि आप मेल है या फीमेल। उस बाद यहाँ से आपको कोई एक अभिवादन सेलेक्ट करना है कि आप अपने नाम के शुरू में क्या लगाना चाहते हैं, श्री, श्रीमती या इनमें से कोई नहीं, जो आपको लगे वो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। उस बाद यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में अपना नाम, यहाँ फादर्स नेम इंग्लिश में, फादर्स नेम हिंदी में, मदर्स नेम इंग्लिश में, मदर्स नेम हिंदी में आपको फिल कर देना है। अगर आपका शादीशुदा है और आप अगर एक महिला है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे आपको हस्बैंड नेम डालना होगा इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में आपको फिल कर देना होगा। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करने के लिए, तो आप जरूर फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट का सिलेक्ट कर देना है किस स्टेट से है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका अनुमंडल कौन सा है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका ब्लॉक कौन सा है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से आप सेलेक्ट करना होगा कि आप ग्राम पंचायत से हैं या आप नगर निगम से हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या आप नगर परिषद से हैं या नगर पंचायत से हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राम पंचायत से हूँ, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर डाल दीजिएगा कि आप कितने नंबर वार्ड से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको ग्राम पंचायत का, तो आपको कौन सा पंचायत है तो यहाँ से आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने ग्राम का नाम डाल लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस और पुलिस थाना आपका कौन सा पड़ेगा, यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया पिन कोड फिल कर देना है, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड कर देना होगा। फोटो कैसे अपलोड करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा चूज फाइल वाला ऑप्शन पे। उसके बाद जहाँ पे अपना फोटो रखे रहेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपका जो फोटो होगा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट करना है कि आप करते क्या है, तो आप अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे सामान्य वर्ग या देख सकते हैं सामान्य वर्ग सिलेक्ट कर दीजिएगा। समान वर्ग सेलेक्ट करने के बाद अब आपको पूछा जाएगा कि आपका जाति क्या है, तो जब यहाँ पे अपना जाति पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप अपना जाति देख सकते हैं आप कौन सा जाति है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अपने जाति के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सब जाति, इसको आपको छोड़ देना है, बस आपको इतना ही रहने देना है, बाकी इन सबको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो कैप्चा दिखने के लिए, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है, तो मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करता हूँ 999426। उसके बाद आपको मिलेगा प्रोसीड का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा।
और उसके बाद यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड अनेक्जर का ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स पर, टाइप पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या सर्विस पहचान पत्र जो आपके पास हो यहाँ पे आप अपना अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहचान पत्र है या आधार कार्ड है जो मैं आधार कार्ड में अपलोड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट जो होगा वहाँ से अपने गैलरी में जाना है जहाँ आप रखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में आने के बाद यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, ये आप अपना डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट रखे होंगे, मैं यहाँ पे रखा हूँ अपना आधार कार्ड, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट होगा अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको सिर्फ एनएक्सेल पर क्लिक कर देना है। सिर्फ एनएक्सेल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो सबमिट हो जाएगा और आपका जो एक रिसीविंग मिल जाएगा। रिसीविंग को आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और यहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के जरिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करके वहाँ अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।